हाय दोस्तों, आपका जेटेक में स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा। अगर आप इस एप्लीकेशन की इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप स्मार्टफोन में कुछ इस तरीके का थीम लगा सकते हैं जो कि बहुत मस्त तरीके का है। आप यहां पे ऐप्स को यहां से वहां मूव कर इफेक्ट बदलना हो तो इफेक्ट बदल सकते हैं। ऐप्स के साइज या शेप को चेंज करना हो, शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने शेप या साइज या फिर कुछ इस तरीके का थीम लगाना तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना भी न भूलिए, जिससे कि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, मैं चलता हूं अपने फोन के होम स्क्रीन पे, वहीं पे आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं। दोस्तों, मैं फोन के होम स्क्रीन पे आ चुका हूं। मैं इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेता हूं। इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहां दिखाई दे रहा है इंटर, इंटर पर क्लिक कर लीजिए। इंटर पर क्लिक कर लेने, गॉट इट पर क्लिक कर लीजिए। गॉट इट पर क्लिक कर लेने, अगेन गॉट इट पर क्लिक कर लीजिए। गॉट इट पर क्लिक कर लेने, गो पर क्लिक करने से पहले यहां दिखाई दे रहा नोटिस दिखाई दे रहा है। दिस लॉन्चर नीड रीड स्टोरेज परमिशन टू रीड वॉलपेपर आइकन फोटो प्लीज ग्रांट। अलाउ पर क्लिक कर लीजिए। अलाउ पर क्लिक कर लेने के बाद यहां पे अगेन अलाउ पर क्लिक कर लीजिए। अगेन अलाउ पर क्लिक कर लेने के बाद यहां दिखाई दे गो, गो पर क्लिक कर लीजिए। गो पर क्लिक कर लेने के बाद यहां दिखाई दे रिमेंबर माई चॉइस। रिमेंबर माई चॉइस को यहां पर क्लिक कर लीजिए। यहां पर क्लिक कर लेने के बाद यहां दिखाई दे रहा है, यहां इस ऐप पर क्लिक कर लीजिए। ऐप पर क्लिक कर लेने के बाद यहां ट्राई अगेन सेट नहीं हुआ, फिर यहां सेट कर लीजिए। यहां पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके यहाँ सेट कर लीजिए। यहाँ पर हो जाने के बाद ये देखिए एप्लीकेशन आपका लागू हो चुका है। यहाँ पर देखिए आप ऐप्स को इधर से उधर जिधर मुख पर आना चाहिए उधर ऐप मुख पर आ सकते, देख सकते रिंग में जैसा जिधर चाहिए उधर मुख पर आ लीजिए। यहाँ जैसे यहाँ दिखाई दे इस पर क्लिक कर लेंगे तो क्लिक करके ऐड ऐप पर क्लिक करके आप कोई ऐप को यहाँ पर रख सकते हैं, जो ऐप रखना चाहें यहाँ पर रख सकते हैं। आप ऐड ऐप पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके देखिए ऐप आपका रखा चुका है, जैसे आपका वहाँ पर रखा हुआ था, डाउनर हुआ या डाउनलोड इंस्टाग्राम जो भी हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का पिक्चर्स यहाँ दिखाई दे जो 3D है, देख सकते कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं। अगर ऐप क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे ऐड ऐप पर क्लिक कर लेंगे तो आप जो भी ऐप रखना चाहें और ऐप रख सकते हैं, जो भी है ड्राइव हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो ऐप रखना चाहें आपसे रख सकते हैं, फेसबुक या जो भी। यहाँ रख लेने के यहाँ कर लेने के बाद ऐड ऐप पर क्लिक कर लीजिए। इस तरीके का आपका हो चुका है। यहाँ आप देखिए इस ऐप को यहाँ पर इधर उधर जिधर मूव कराना चाहिए उधर मूव करा सकते, देख सकते हैं। इस तरीके का जिधर आप मूव कराना चाहिए उस तरीके का मूव करा सकते, देख सकते हैं, इस तरीके का कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेंटर पर क्लिक कर लीजिए। सेंटर पर जैसे क्लिक कर लेंगे यहाँ दिखाई दे थीम वॉलपेपर आइकन शेप आइकन पैक आइकन साइज हाइड ऐप। यहाँ पर देखिए थीम अगर आप लगाना चाहे थीम लगा लीजिए, जो ऐप वो थीम चाहते हैं यहाँ पर मोर थीम पर क्लिक करके थीम हो जाएगा। वॉलपेपर अगर बदलना चाहे वॉलपेपर कर लीजिए, ये लाइव वॉलपेपर जैसा वॉलपेपर आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यहाँ से कर लेने के बाद आप यहाँ से बैक खोल लीजिए। यहाँ से बैक खोलेंगे यहाँ पर दिखाई दे तो आइकन शेप आप मतलब ऐप की शेप को बदल सकते, जैसा ऐप की शेप चाहिए वैसा सर्कल में चाहिए सर्कल में कर लीजिए, जैसा चाहिए उस तरीके का शेप चेंज कर लीजिए, जो कि ब्यूटीफुल इस तरीके करना चाहिए इस तरीके कर लीजिए, या फिर इस तरीके करना इस तरीके कर लीजिए, या फिर इस तरीके का जिस तरीके का अभी आप इस तरीके का कर लीजिए जो कि फिश नुमा है, जो कि बहुत मस्त तरीके का लगेगा, ठीक है दोस्तों। आप सिंपल से यहाँ से बैक खोल लीजिए। यहाँ से बैक खोलेंगे आइकन साइज अगर आप चेंज करना चाहते हैं आइकन साइज को आप चेंज कर सकते, देख सकते हैं। ऐप के आइकन साइज बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइज दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ क्लिक करके यहाँ देखिए साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे क्रोम का देखिए छोटा बड़ा कर सकते, जैसे यहाँ पे ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा हाइड ऐप, हाइड ऐप पर क्लिक कर लीजिए। हाइड ऐप पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे दिखाई दे प्लस वाले पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे कर लेंगे जिस ऐप को आप हाइड करना चाहते हैं उस ऐप पर क्लिक करके आप हाइड कर सकते। जैसे मैं एयरटेल को हाइड करना चाहता हूँ, एयरटेल पर क्लिक कर लेता हूँ। एयरटेल पर क्लिक करने यहाँ सेव कर लूँगा। सेव पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए ये चीज़ हाइड हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ से बैक खोली यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको ऐप नहीं नजर आएगा, देख सकते हैं, कहीं पर भी एयरटेल नजर नहीं आएगा, ये चीज़ हाइड हो चुका है। आप अगर अगेन देखना चाहते हैं यहाँ पर सेंटर पर क्लिक कर लेंगे, आप सेंटर पर क्लिक कर लेंगे, हाइड ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐप दिखाई देगा, यहाँ पर आप रखे रहेंगे। यहाँ इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंपल सा बैक खोल लीजिए। यहाँ से बैक खोलने के बाद यहाँ पे प्रेस कर लीजिए। यहाँ जैसे ही आप प्रेस कर लेंगे तो यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे, इफेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। इफेक्ट पर क्लिक कर देंगे यहाँ दिखाई दे शेप दिखाई देता है, फिंगर दिखाई, ट्रांजिशन, लाइव, एज, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। जैसे फिंगर पर कर देंगे आप जो भी फिंगर लगाना चाहें लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके का देख सकते हैं, जिस तरीके का फिंगर लगाना उस तरीके फिंगर लगा लीजिए। जिस तरीके का आप यहाँ फोटो लगाना चाहे फोटो भी लगा सकते हैं, देख सकते फोटो कर देंगे आप फोटो साइज जिस तरीके लगाना चाहिए उस तरीके फोटो साइज लगा सकते हैं। यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल करके यहाँ पैक हो लेता हूँ। ट्रांजिशन पर क्लिक कर देंगे, ट्रांजिशन जैसा आप ट्रांजिशन चाहे वैसा ट्रांजिशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ जैसा ट्रांजिशन चाहे वैसा ट्रांजिशन लगा लीजिए आप, जिस तरीके का आपको ट्रांजिशन अच्छा लगता है उस तरीके का ट्रांजिशन, गैलेक्सी स्टाइल हो गया। यहाँ पे देखिए
इस तरीके का होगा। अगर जिस तरीके का लगाना इस तरीके का लगा लेंगे, डन पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके का आपका लग चुका है। यहाँ पे देखिए जहाँ भी प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए इस तरीके का आप जो फिंगर लगाए रहेंगे, इस तरीके का फिंगर भी लगेगा, जो कि बहुत मस्त तरीके का लगेगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ, आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और एक कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।